अडानी के बारे में मोदी जी ने क्या कहा है उसका हमें कोई वीडियो नहीं मिला है, क्योंकि जब भी अडानी के मुद्दे पर उनसे सवाल पूछा जाता है तो उनके मुंह पर ताला लग जाता है, वे खामोश हो जाते हैं। अडानी इकलौता ऐसा शख्स है जिसके बारे में मोदी जी बड़े मंच से झूठे वादे नहीं करते, बल्कि अडानी को अमीर बनाने के लिए पूरी शिद्दत से 18-18 घंटे की मेहनत करते हैं। आज बैकफुट के ऊपर है अडानी जी, और ये दोस्ती जो मोदी जी के साथ इनकी दोस्ती है उसका नतीजा है कि अडानी जी इतना ग्रो कर गए। राहुल गांधी जी ने सदन में गौतम अडानी के बारे में सवाल पूछे, सबूतों के साथ अपनी बात रखी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कुछ नहीं कहा, बल्कि सत्ता का दुरुपयोग कर राहुल जी की संसद से सदस्यता रद्द करवा दी। देश का पैसा आज डूब रहा है, जनता का पैसा चोरी हो रहा है, अडानी को देश की संपत्ति बेची जा रही है, लेकिन मोदी जी इस पर कभी कुछ नहीं बोलते, वे खामोश हैं, इसलिए सवाल आज भी बरकरार है। अडानी की शेल कंपनियों में 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं? ये हमारी चोरी किया हुआ पैसा वापस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? ये काला धन वापस आना चाहिए? ये चोर लुटेरों से एक एक रुपया वापस लेना चाहिए? इस रुपयों पर जनता का अधिकार है कि नहीं है? ये रुपया जनता के काम आना चाहिए?